तो देखिए जी, आज बना रहे हैं सेम की फली की सब्ज़ी। सेम की फली लिए हैं, उसको अच्छे से साफ़ कर लिए हैं और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिए हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल दिए सरसों का तेल, एक छोटी चम्मच हम डाल दिए हैं इसमें पंचफोरन, और इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, इन सबसे तड़का दे करके शाम की फली भून रहे हैं। इसके बाद हम डाल देंगे उबला हुआ 4 मीडियम साइज का आलू, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए हैं और इसके साथ इसको अच्छे से भुनेंगे। आलू और सेम की फली को सब्जी बहुत लाजवाब बनती है। मसाले में लिए हैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसमें लिए हैं अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, उसमें लिए हैं थोड़ा सा सरसों का जो पाउडर है एक चम्मच गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसको सेम की फली की सब्जी में भूनने के लिए अच्छे से मसाले को इस्तेमाल करेंगे। मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे। सब्जी में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से सब्जी को भूनेंगे मसाले के साथ। मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसमें डाल देंगे आधा ग्लास पानी और अच्छे से उबाल आने देंगे। जब अच्छे से उबल जाए तो इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा 2 मीडियम साइज का टमाटर और ढेर सारा धनिया। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स, वीडियो देख करके ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही लाजवाब सब्जी बनती है, इसको चावल के साथ खाइए, पराठे पूड़ी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी रहेगा। तो हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, सब्ज़ी रेडी हो जाएगा।